अगर कृष्णा मेरे साथ जगते हैं ना, सबसे पहले मैं से कुडलिंग करती हूँ और ये मुझे कहते हैं, मुझे मॉर्निंग की स्टार्टिंग इस तरीके से होती है ना, बहुत अच्छी लगती है। बट ये कभी कभी होती है, मैं इससे पहले ही जग जाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? और अभी टाइम हो रहा है 7:45 और हम लोग बस जगी हैं यार। और इनके एब्सेंस में, और कृष्णा की भी स्कूल नहीं जा रहा ना, अभी ऑफ चल रहा है, तो आज है day 5 इनके बिना हमारा। तो फिर आज थोड़ा लेट ही जगे थे, नींद भी नहीं खुले, अभी कृष्णा नहीं जगाया, तो बस अभी जगेंगे। थोड़ा सा बेड पे लेजी लेजी हो रही हूँ, क्योंकि लोड नहीं है ना काम का। हाँ बेटा, किसके साथ है? अबे देखो, सुबह सुबह टॉयज के साथ भी खेलेगा, खेल लो बेटा। तो बस ऐसे देखिए, स्टार्टिंग चल रही है मेरी। आई जो नो जी को ही चीट रहा है, बहुत चेतान बच्चा है मेरा। लो पहले इसके लिए दूध बनाती, सबसे पहले वो मेरे लिए चाय। क्या हुआ? दूध गर्म करके ला रही, जब तक सारी एनिमल्स डिफरेंशिएट कर देना। मम्मा की दिखेगी, चेक करेगी, ठीक है ना बेटा? कृष्णा को फ्लैश कार्ड में इंगेज करके मैं वॉशरूम चली गई थी, फ्रेशन अप हुई, उसके बाद में मैं किचन में आ जाती हूँ। सबसे पहले आप लोग जानते हो कि मैं क्लीन करती हूँ, उसके बाद में अपने लिए यहाँ पे ना बॉइल्ड वाटर कर रही हूँ। यहाँ पे मेरी चाय बन रही थी, कृष्णा को पोटी आ गई तो पोटी करा के लाऊंगी। मेरी चाय बीच में ही रह गई थी, आने के बाद में उसे फिर से मैंने बॉइल्ड किया था और अब मेरी चाय बन गई। साइड में कृष्णा के लिए भी मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। ओ कृष्णा, ये आपने क्या किया है जान? ये देखो, मैं दूध और चाय बना के लाई, जब तक हालत ये हो गई है ना। कृष्णा, आपके रूम में खेला करो बेटा। आपका रूम कौन सा है बताओ? ये तो मम्मम का है ना, वो वाला आपका है। दूध कृष्णा को मैंने दूध पिला दिया, मैंने भी चाय पी ली थी। थोड़ा सा टाइम था मेरे पास कि ब्रेकफास्ट से पहले, तो मैंने सोचा पहले क्लीनिंग कर लेती हूँ, जो टाइम इसको यूटिलाइज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, और एक बार क्लीनिंग हो जाती है ना, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है कि मेरा घर साफ हो गया। एक तो रीजन ये भी होता है बच्चों के साथ, जितना ज़्यादा आप घर को साफ सुथरा रखोगे ना, बच्चों के लिए उतना ही हेल्थी होता है, क्योंकि बच्चे हर जगह पार्क में कहीं पर भी बैठते हैं, लेट जाते हैं या फिर खेल रहे होते हैं, तो पूरा क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और गंदा भी बहुत जल्दी ही करते हैं, तो सारे दिन ये तो चलता ही रहता है। और पता है कल क्या हुआ यार? जो हुआ ना, इतना इमोशनल सीन था ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं फोन पे बात कर रही थी अपनी मम्मम से, तो कृष्णा ना रूम में खेल रहा था, तो इसने पूरे बेड पे ना टॉयज को फैला दिए थे। एक तरफ टॉयज, फ्लैश कार्ड सब फैले रहते मेरे बेड पे, मैंने बहुत बार आप लोगों को दिखाया अभी, तो वो सब कुछ था। तो कृष्णा ने खुद से ही पूरे रूम को है ना क्लीन किया, सारे टॉयज वगैरह बॉक्स में रख दिए, एंड जो फ्लैश कार्ड थे सब रख दिए। इवन एक कटोरी रखी हुई थी ना, एक ग्लास मेरे रूम में रखा हुआ था, उसको भी ले जाके किचन में रख के आया। और मुझे बताता है कि मम्मा मैंने पूरा रूम क्लीन कर दिया जैसे आप करते हो। इवन पता है बेडशीट को भी ये हाथ से एक कपड़ा लेके फटका आ रहा था, जैसे मैं फटकारती रहती हूँ ना कई बार, तो वैसे की वैसे ये भी कर रहा था। तो यार बस मत पूछो, वो सीन देख के ना बस इतना ज़्यादा खुशी हुई ना, कि यार बच्चे हम लोगों के कितनी ज़्यादा कॉपी करते, जो लोग हम कर रहे होते ना वही ये सब कर रहे होते। तो बच्चों के सामने हमेशा अपने आप को अच्छे से इंगेज रखो, अच्छी अच्छी चीज़ें आप उन्हें सिखा सकते हो अपने थ्रू, क्योंकि बच्चे आपसे ही सीखते हैं जो भी सीखते हैं, क्योंकि मदर जो होती है ना, माँ जो होती है वो बच्चों के फर्स्ट गुरु होती है। वो ऐसे ही नहीं बोला किसी ने, इसीलिए माँ को एक फर्स्ट गुरु बोला है, क्योंकि बच्चे हमसे बहुत ज़्यादा सीखते हो। यहाँ पर मैंने बेडशीट जो क्लीन की थी ना, वो धोने के लिए लगा थी, साथ के साथ मुझे आज हेयर वॉश करने थे, तो मैंने यहाँ पर ना हेयर मास्क लगा रही हूँ। यार मेरे पास टाइम था, फिर सर्दी भी स्टार्ट हो जाएगी, तो मैंने सोचा अपने लिए हेयर मास्क लगा दूँ। साइड में मेरी सास माँ कुछ मांग रही थी, तो मैं उन्हें एप्पल दे क्या रही ढूंढे थी, बेटा? और कृष्णा के नहीं, लिए भी मैं आपने घर एप्पल लेके का आई हूँ, छुपाई है? तो नहीं, यहाँ पे इसको भी मैंने कट करके दे दिए। यहाँ पे बैठो, मम्मा ढूंढ रही है, बैठ जाओ। हमारी मिल गई, मम्मा को मिल गई कृष्णा। एंड यहाँ पे हम लोग है ना हाइड एंड सी भी खेल रहे हैं, साथ के साथ काम भी कर रहे। तो कृष्णा ने अपनी गाड़ी को हाइड किया हुआ है, वो मुझे मिल गई, मिल गई, बोल रही।
फिनिश करो, है ना। मैं यहाँ पे इसके लिए एप्पल लेके आई हूँ, आप एप्पल खाओ, तब तक मम्मा है ना झाड़ू लगा के आती है, ठीक है ना। नहीं। क्यों? अभी है ना हमारा ऐसे ही चल रहा है। कोई बर्डन नहीं होता ना, तो मैं भी मॉर्निंग में जैसे जल्दी नहीं जागी कि कर लूंगी इसके साथ, धीरे धीरे कर लूंगी कि मेरा टाइम पास भी होता रहेगा, काम करके फ्री कर दूंगा तो फिर मेरा मन भी नहीं लगेगा और ये कुछ करने भी नहीं देगा, तो इसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, काम भी कर रहे हो, बीच बीच में बहुत खेल आता है, ये बहुत परेशान करता है, ये बहुत परेशान करता है। तो अभी मैंने हेयर पैक लगा लिया है, अब मैं फेस पैक बना रही हूँ, तो फेस पे भी अपन चुंदर 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 पैक लगाते हैं। आप भी लगाओगे चुंदर चुंदर? हाँ। आपकी फेस गंदा गंदा करते हैं मम्मा? हाँ। कैसे? कपड़े मेरे ऑलरेडी लगा दिए धोने के लिए, है ना। आज की मॉर्निंग में ना ऐसे कोई टेंशन नहीं कि लंच बनाना है इनके लिए, कृष्णा के लिए लंच बॉक्स तैयार करना है, इसको रेडी करना है, स्कूल छूट के आना है, तो आज मैं रिलैक्स वाला डे है, तो मैं खुद को पैम्पर कर रही हूँ। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, तो जब भी मिले इनका फ़ायदा उठा लेना चाहिए, तो बस मैं आज के दिन का फ़ायदा उठा रही हूँ, खुद को पैम्पर कर रही हूँ। पहले हेयर मास्क लगाया, अभी हेयर पैक, अभी फेस पैक लगा रही हूँ, तो बस ऐसे खुद को छोटी छोटी सी ट्रीट देती रहती हूँ कि खुद को भी अच्छा लगता है यार जब मैं खुद के लिए टाइम निकालती हूँ, वरना तो बिल्कुल टाइम नहीं निकलता। खुद के लिए तो मैं बिल्कुल अवॉइड कर देती हूँ, अब बहुत दिन हो गए तो मुझे लास्ट फेस पैक लगाए और हेयर पैक लगाए, तो मैंने सोचा चलो आज टाइम है तो लगा लेती हूँ, फिर विंटर स्टार्ट हो जाएंगे तो वैसे लेजी लेजी हो जाते हैं, फिर तो बिल्कुल मन नहीं करता कुछ भी करने का, तो जो टाइम है उसको तो यूटिलाइज करो। अगर आप लोगों ने भी अभी तक नहीं लगाया हो ना तो लगा लो यार, थोड़ा थोड़ा टाइम अपने आप के लिए निकाला करो। जब बाबू नई नई करके आ गया, अब मम्मा ने भी नई नई कर ली, और क्या लग रही है आपको? अब मम्मा की नई, मम्मा के लिए पानी नहीं छोड़ा कृष्णा ने, घर सारे घर में गुनगुने पानी से नहा लिया है ना। हमने ऊपर भी डाला, आप ही नहाता है मेरा बेटा तो, है ना। मम्मा ने लगाती है और साबुन भी लगाया था ना, और रोया भी नहीं मेरा कृष्णा। चलो जल्दी जल्दी कपड़े पहन लो, मतलब जल्दी जल्दी हो जाएगी। और अभी मैं ना मूली के पराठे बना रही थी, मेरा हाथ ये देखो यहाँ से कट गया और यहाँ से कट गया, बहुत दर्द हो रहा है अब मेरे को, है ना। मैं सोच रही हूँ इसमें अनियन वगैरह कुछ भी ऐड नहीं कर रही, क्योंकि अभी तो मेरी राइट हैंड है, तो है ना आटा लगाऊंगी ना तब भी बहुत दर्द होने वाला है, तो सिंपल सा बनाने वाली हूँ, है ना। पहले सोचा था कि आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करूंगी, थोड़ा अच्छे से बनाऊंगी, भरवा बनाऊंगी, बट अब तो आटे में ही लगा के बस बनाने वाली हूँ। कि दर्द बहुत हो रहा, जलन हो रही है इसमें, देखो यार ये रहा और ये वाला पार्ट दो दो जगह से कट गया, ये देखेंगे तो बोलेंगे देख लिया तो अपना ध्यान भी नहीं रख सकती। आज हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में ब्रेड को टोस्ट करके खा लिया था, एंड अभी मैं लंच बना रही हूँ, लंच में मैं मूली के पराठे बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने आटा लिया है, मूली को कद्दूकस करके वो ऐड किया, हरा धनिया ऐड किया, नमक ऐड कर रही हूँ, हल्दी ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी रेड चिल्ली पाउडर ऐड की, और मैंने अजवाइन को हाथों से क्रश करके वो भी ऐड कर दिया, और अब थोड़ा थोड़ा पानी मिला के हमें आटा लगा लेना है। और हाँ, इसमें मैंने 1 टेबल स्पून घी भी ऐड किया क्योंकि उससे सॉफ्ट बनते हैं। साथ के साथ मैं हरे धनिया की चटनी बना रही हूँ, जिसे बनाने के लिए मैंने हरा धनिया लिया है, लहसुन लिए, अदरक लिए और ग्रीन चिली भी लिए, क्योंकि इसमें कृष्णा नहीं खाने वाला तो मैंने ग्रीन चिली भी ऐड की और टोमेटो ऐड किए दो। बस चटनी बना ली और साथ के साथ मेरे पराठे भी यहाँ पे बन के तैयार है। मैंने साथ में अचार रखा है, अपने लिए ग्रीन चटनी रखी और कृष्णा को तो मैंने केचप से खिलाया था, थोड़ा सा अमूल का जो बटर होता है ना वो ऐड कर दिया था ऊपर, तो अमूल बटर हो गया था एंड केचप हो गया था, तो उससे इसने खा लिया था। उसके बाद में मैं यहाँ पे कपड़े सुखाने आ गई और आज वेदर बहुत अच्छा हो रखा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश आने वाली हो, तो बारिश तो वैसे लगता नहीं आएगी बट वेदर वैसा ही हो रखा है बारिश जैसा। नहीं बेटा, आपकी गाड़ी अंदर रख के चलेंगी ना, रखो आप वो छोटी वाली गाड़ी क्यों निकालते हो बेटा, अब आप बिग बॉय हो गए, छोटा बीबी हो तो चले छोटे बीबी, तो पापा है नहीं बेटा, पापा गए हुए ना, कहाँ गए आप बताओ, गाँव गए ना, दोसा गए, दोसा तो नानू नानी रहते,
फाइनली आज मैंने बहुत बड़ी जंग जीत ली, कृष्णा सो गया और दोपहर में आज ये बहुत लॉन्ग टाइम के बाद में सोया है, वरना दोपहर में नहीं सोता ये। तो मैं भी थोड़ी देर आराम से रेस्ट करूंगी, ये मेरा मी टाइम है जिसमें मैं एंजॉय करती हूँ। आज मैंने किचन क्लीन नहीं की तो मैं बाद में करूंगी, बट पहले अपना मी टाइम एंजॉय करूंगी। किचन मेरी बच रही है, खाना खाने के बाद में मैंने किचन क्लीन नहीं की थी तो बस वो करना है और डिशेज वॉश करनी है, बट पहले उससे पहले थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ा सा अपने लिए टाइम, फिर जाके मैं और काम करूंगी।